शुरुआत लक्ष्मी जी आपसे ही करूंगी मैं। वित्त मंत्री ने अब कह दिया कि ज्यादा राशि मिली है, जो सही है वो सही है, तो यानी हेमंत सरकार अभी तक झूठ बोलती रही है। देखिए मैडम, एक भोजन का थाल आप परोसे, भोजन के थाल में जब खाने वाला व्यक्ति, भोजन करने वाला व्यक्ति रसगुल्ला खाएगा तब ये जरूर कहेगा कि मीठा है, और जब वो मिर्चा वाला चीज कोई काटेगा तो कहेगा ये तीखा लगा। अब अगर उसी बात को आप धोएंगी, मैं ये कह रहा हूं कि ये कहना कि जब केंद्र की सरकार राशि नहीं उपलब्ध कराई थी तो माननीय वित्त मंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने वो बात रखी थी, अब उनके सामने अगर केंद्र की राशि आई और माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में ये बात रखा, हमको तो ये नहीं मालूम है कितनी राशि आई है। विधानसभा का जो पटल पर जो बातें रखी गई है उसको, उसका अवलोकन मैंने तो नहीं किया अभी तक, लेकिन जो नोट आपने दिखाए हैं, यदि केंद्र की सरकार के द्वारा झारखंड को मदद मिली तो वित्त मंत्री ने क्या गलत कर दिया। एक दूसरी बात, आपको याद होगा वित्त मंत्री जी ने कोरोना काल के समय जब स्कूल, प्राइवेट स्कूल खोलने की बात की थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि सरकारी स्कूल से ज्यादा प्राइवेट स्कूल की का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। हाय तो वह मच गया पूरे राज्य में, लोगों ने ये कहा कि यह तो सरकारी स्कूल के शिक्षकों का अपमान है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय आदरणीय श्री जगन्नाथ महतो जी ने ये कहा, पेपर में आया है 2-3 दिन पहले, कि अब लगता है कि सरकारी स्कूल को निजी हाथों में देने पर विचार करना। सर, शिक्षा मंत्री शिक्षा की बात कभी और कर लेंगे, वित्त मंत्री की बात करिए, खजाने की बात करिए, जिसका रोना रोती रहती है सरकार, वो कहती है हमारे साथ तो पक्षपात कर रही है केंद्र सरकार। सुना जाए, रोती रहती थी बोलिए, अगर वर्तमान में मिला है तो आपने मोहर लगा दी, ये थी राशि मिल गई, अब विकास होगा। जी जी, आपने मोहर लगा दी कि राशि मिल गई, अब विकास होगा। देखिए, अगर मिली है, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री का रिपोर्ट आपने दिखाया है चैनल के माध्यम से, यदि इस बात में दम है, जैसा कि वित्त, यदि ये सब यदि बट परंतु किंतु लेकिन ये अब जगह स्थान नहीं होनी चाहिए, अब ये बात होनी चाहिए कि राशि मिली है, अब हम विकास करेंगे। वित्त मंत्री ने सदन में स्वीकार किया है तो राशि मिली है, और ऐसे बोलिए ना, डंके की चोट पर गई है, ऐसे यदि लेकिन किंतु परंतु अब इन सब तमाम बातों का स्थान है ही नहीं। यदि मैं काट दिया मैडम, मैंने ये कहा, चलिए आज आज आप कम से कम मान रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है।